देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाएगा। इसमें लिखा होगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर मुक्तिदूत होगा, ज्योति ज्वार खंड काव्य होगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर देखिए मेवाड़ मुकुट, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक और पूछा जाएगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यह अथवा क्या आएगा कि मातृभूमि के लिए यहाँ पर का यहाँ पर कथावस्तु संक्षेप में लिखे, तो एक करना होता है। अथवा का मतलब होता है एक, किसी का एक का उत्तर देना। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं जो यहाँ पर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक, जो यहाँ पर नायक कौन है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनका क्या है चरित्र चित्रण बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, 25वें का यहाँ पर चावाला था। तो यहाँ पर आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर ऐसे आपको प्रश्न नहीं उतारना है, और जब इसको लिखोगे खंड काव्य को तो न्यू पेज से लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 25, उसके बाद में यहाँ पर लिखना है चा छिछी राइटिंग में, उसके बाद में यहाँ पर भी आप लोग चा लिख दो, उसके बाद में काले पेन से ये हेडिंग जरूर डाल देना, जिससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने आप कौन सा किया है। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, अब इसको ध्यान से वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से देखोगे एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मातृभूमि के लिए यहाँ पर नामक खंड काव्य के मुख्य हैं, उसके बाद में इनमें यहाँ पर प्रबंध काव्य के नायक के सभी गुण विद्यमान हैं, उसके बाद में संक्षेप में इनके चरित्र की यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं, इस प्रकार से आपको इतना याद कर लेना। उसके बाद में अब आपको केवल हेडिंग याद करना, हेडिंग से ही बना बना कर आप लोग लिख देना। जैसे पहले ही हमारी हेडिंग पड़ेगी विश्व बंधुत्व के पोषक, इसमें कैसे लिखना, देखिए आजाद में यहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता नहीं थी यहाँ पर, उसके बाद में ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे, इस प्रकार से विश्व यहाँ पर बंधुत्व के पोषक में लिखना है। बहुत सिंपल सा बताऊंगा और जितने नंबर मिले उतना ही बताऊंगा, ठीक है। आजाद में क्या है, किसी भी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। उसके बाद में दूसरा हमारा हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर वीर और साहसी, जो चंद्रशेखर आजाद जी थे ये क्या थे, वीर और साहसी, इसको कैसे लिखना है, चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर 15 वर्ष की आयु में यहाँ पर 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति साहस और वीरता का परिचय दिया था। बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार से लिखना है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। वीर और साहसी में कैसे लिखना है, चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, 15 वर्ष की आयु में ही 16 वेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ यहाँ पर भारत माता की जय बोलकर अपनी यहाँ पर अपूर्व देशभक्ति साहस और वीरता का परिचय दिया था। उसके बाद में अब इतना समझ में आया, दो हमारी हेडिंग हो गई। तीसरी यहाँ पर देखिए महान क्रांतिकारी, इसमें कैसे लिखना है, देखिए आज़ाद जी यहाँ पर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे, उन्होंने यहाँ पर असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। देखिए इनको लिखना लिखना चाहो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना लिखना है जितना ये नंबर मिल सके, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। उसके बाद में चौथी यहाँ पर हेडिंग डालना अमर शहीद, इसमें कैसे लिखना है, बचपन से ही क्या स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए आज़ाद ने अंग्रेज सरकार को क्या भयभीत कर दिया, इस प्रकार से लिखना है, कम शब्दों में लिखना जिससे अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे इतना जरूर लिख देना कि वास्तव में आज़ाद का जीवन यहाँ पर की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गाथा है, वे महान देशभक्त वीर साहसी महान क्रांतिकारी अपराजेय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनका चरित्र यहाँ पर भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और यहाँ पर क्या है बलिदान की प्रेरणा देता है। इतना आप लोग जरूर ही लिख देना आखिरी में, जिससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो एक पेज में लिखना है, एक पेज से कुछ कम भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। आप चलते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से जिले में पूछा जाएगा। देखिए जो आप लोग यहाँ पर गोरखपुर मुरादाबाद शाहजहाँपुर और लखीमपुर यहाँ पर, उसके बाद में मैनपुरी और मुजफ्फरनगर, इन जिलों में रहते हैं, तभी आप लोग ये मातृभूमि के लिए खंड काव्य याद कर लेना। केवल चरित्र चित्रण ही एक बार या दो बार वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। गोरखपुर में जो आप लोग रहते हैं या फिर मुरादाबाद या शाहजहाँपुर या लखीमपुर या मैनपुरी या मुजफ्फरनगर, इसी जिले में रहते हैं, तभी ये खंड काव्य याद करना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।